और ये दोनों भाई, हेलो हेलो हेलो, तुम तो भाग के जा रहे हो, रुक तो जाओ। तो देखो आज सुबह बारिश आ रही है और इन्होंने तो नहाना ही शुरू कर दिया। पापा जी भी नहा रहे हैं, मैं अभी उठा और सहरे भाई नहीं नहा रहा, ये नहा चुका ऑलरेडी। हाँ भाई श्रीवल्ली, एब्स देखा आपने? एब्स बाहर आई चप्पल पहन ली कहाँ है? मैं भी जा रहा हूँ खाने के लिए, तो अब चलते हैं जल्दी। अरे बस कर भाई, बारिश रुक चुकी है। देखो हम नहा लिया, मजा आया यार काफी। अब वाइपर वाइपर लगा रहे, उठते ही आज नहा लिया मैं, लेकिन अब मजा आया। बारिश रुक गई, आ जाओ अब तो आ सकता है तू। मैं फ्रेश हो गया, रेडी भी हो गया, और आज पहली बार हुआ है कि मैं सोते ही नहा लिया, मतलब कि बारिश में, वो भी बहुत मजा आया। अब थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, बढ़िया भूख लग रही है बारिश में नहाने के बाद, और पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30, तो अब खाएंगे खाना, उसके बाद चलेंगे। तो बता दूँ हमें कहाँ पे जा रहे हैं। और देखो जाने की फुल तैयारी हो गई, यहाँ पर बैग पैक कर दिया, इसमें सबके कपड़े हैं, मतलब कि पापा जी और मेरे, और ये पापा जी पहन के जाएंगे, ये रख रखा है यहाँ पर। और सिर्फ एक ही दिन रुकने का प्लान है फिलहाल, तो अभी कमी कपड़े लिए हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ दिल्ली, अभी चाचा जी के घर पर जाएंगे दिल्ली, वो दिल्ली रहे, तो पैकिंग भी सारी हो गई, और अभी तो एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो फिर बाद में शायद रुकने का होगा वहीं पर ही। ये रखवाली करेंगे घर की, इन दोनों को छोड़ के जा रहे हैं, और तीसरा भी आ जाएगा शाम को। तो अच्छे से रख, ध्यान रखना भाई घर का, हो छपरी यूट्यूबर, छपरी यूट्यूबर, यूट्यूबर कोई बात नहीं। का भाई जा रहा है ना, देखो दुखी हो रहा है, वो आके मुस्कुराता है। चल निकाल लेगा यहाँ से कार अपनी, भाई सर ठोक ना दियो। आ रहा है शाबाश 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 शाबाश। तो माँ जी भी जा रही हैं और मम्मी जी भी रेडी। चलो भाई ध्यान से, घर का पूरा ध्यान रखना है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल चल चुके हैं हम, तो काफी दूर है दिल्ली, लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे, और रास्ते में कावड़ भी है, तो काफी क्या पता लेट भी हो जाए, तो 5-6 घंटे मान के चलते हैं। तो हाँ रात तक ही पहुंचेंगे, 8-9 बजे तक। ये देखो कावड़ ही कावड़ है, सारे कावड़े पड़े वहाँ सारे सड़क पर। आज तो अच्छा मौसम हो रहा है।
तो कावड़ की वजह से सारे रूट्स बंद है, हाईवे तो बिल्कुल बंद कर रखा है और डाइवर्ट कर रखे है इधर उधर से। तो बहुत ज्यादा घूम चुके हैं हम और ढूंढ रहे हैं बस रास्ता किसी तरह पहुंच जाए। ये देखो कावड़ चल रही है इस रोड पे भी। फिलहाल हम खतौली पहुंच चुके हैं, तो फिलहाल हम रुके हैं यहाँ पे बिकीज फूडीज रेस्टोरेंट में। ये देखो सामने और वॉशरूम जा रखे हैं फिलहाल सभी, और इधर काफ़ी चीज़ें हैं सिकंजी और चाय वाले और इधर रेस्टोरेंट। तो फिलहाल कुछ खा पी लेते हैं, चाय का ऑर्डर देते हैं यहाँ पर। दो तीन चाय कर ली पापा जी और ने, चाय रेडी हो गई लेके चलते हैं। तो फिलहाल नमकीन ले ली और टमाटर भी ले रहे हैं। तो फिलहाल मेरे तो अपने लिए कुल्फी लाया है, मसूर कुल्फी और बाकी चिप्स कुरकुरे ले लिए और बाकी तो चाय पी रहे हैं। अच्छी है देखो ये, और झूले हैं यहाँ पर बैठने के लिए, काफ़ी सही जगह है। तो खा पी भी लिया, अब चलते हैं कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है दिल्ली से दिल्ली तक का, और फिर वहाँ से और 2 घंटे लगभग 4 घंटे लग जाएंगे, और फिलहाल 5 बजने वाले क्योंकि बहुत डाइवर्ट कर रखा था तो काफ़ी टाइम लग गया। पहुंच चुके हैं यहाँ पर और गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पर पार्किंग में, और ये दोनों भाई हेलो हेलो हम तो भाग के जा रहे, रुक तो जाओ। फाइनली 6 घंटे के रास्ते के बाद, सफर के बाद हम पहुंच गए चाचा जी के घर में। और पिछली बार जब आए थे तो अलग ही था, इस बार तो पूरा ही चेंज हो गया क्योंकि काम हुआ है ना काफी सारा। देखो चलो अंदर चल के देखते हैं, मिलते हैं सबसे। और चाची जी किचन में है तो अभी हम बैठे हैं बातें बना रहे हैं, और इसे भी देखा होगा ये भाई है बड़े वाला भाई, पहले व्लॉग्स में देखा होगा आपने। अभी ये देखो छोटू अंदर काम कर रहा है, छोटू क्या कर रहा है। तो चाचा जी भी आ गए और यहाँ पर समोसे लाए हैं, समोसे खाते हैं सब और चाय भी है साथ में। तो इस ब्लॉग पर ये पेंट करते हैं, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Knock it.